आपका आज की वीडियो में स्वागत है। तो आज हम आपको लेकर जा रहे हैं अंडर वाटर थ्रू ट्रेन। कौन सी वाली बताएंगे मौजा? टाइटल है इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो इनॉग्रेट जर्नी मोस्ट एक्सक्लूसिव कोलकाता अंडर वाटर मेट्रो व्लॉग। तो चलिए देखते हैं वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, फॉलो करें इनकी चैनल को। इसके लिए व्लॉगिंग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ये हुगली रिवर के बीच में ये वाली लाइट की बात कर रहे हैं। सही लग रहा है ना? काफी ज्यादा बढ़िया। भारतीयों के लिए और खासतौर से कलकत्ता वालों के लिए तो गर्व की बात है। राइट सुपर, लेस देन 5 मिनट्स एंड भाई मेट्रो आ रही है और आपको एक्सक्लूसिव भाई अब राइट। वाओ यार कितना खूबसूरत सजाया हुआ है। अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है। तो फर्स्ट टाइम हां जी केवे जी सारे शशिकाल नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई अभी मैं आ चुका हूं कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में, और आज का दिन यहां के लिए नहीं भाई पूरी इंडिया के लिए कह सकते हैं। और आज बहुत बड़े बड़ी चीजें होने जा रही हैं, लेकिन सोचा आपको भाई मोस्ट एक्सक्लूसिव आज दिखाने वाला हूं भाई कोलकाता की नहीं इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो का पूरा इनॉग्रल रन होने वाला है। वैसे मैं ऑलरेडी 6 महीने पहले लगभग मैंने कवर किया था एक्सक्लूसिव, और आज भाई स्टार्ट होने जा रही। तो सोचा क्यों ना भाई आपको पूरा वीडियो में दिखाया जाए। और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आकर उसका उद्घाटन करेंगे। तो आज 3 लाइन का उद्घाटन होने वाला है जिसमें ऑरेंज, ब्लू एंड ग्रीन। ब्लू वाली है ना वो है अंडर वाटर, तो उसको भी कवर करेंगे। और अभी मैं हूँ कवि सुभाष मेट्रो स्टेशन के बाहर, और यहाँ से भाई चाहेंगे एक नई लाइन ये भी दिखाएंगे। और पूरा वीडियो एंड तक देखना, जितना भी होगा पूरी डिटेल देंगे। अंडर वाटर मेट्रो स्पेशली जिसके लिए मैं आया हूँ कवर करने के लिए, वो आपको अच्छे से दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर और करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। ये है कवि सुभाष मेट्रो स्टेशन। यहाँ पर भाई पूरा मतलब आरपीएफ लोग, और मैं आपको एक चीज बताऊंगा, शायद इंडिया में इकलौती मेट्रो है जो इंडियन रेलवे के द्वारा चलाई जाती है। देख लो भारतीय रेलवे का आपको लोगो भी दिख रहा होगा। अंदर चलते हैं आपको पूरा डेकोरेशन दिखाते हैं। यहाँ पर मेन गेट को पूरा सजाया हुआ है, और यहाँ पर देख लो बैठने का प्रोग्राम किया हुआ और स्क्रीन लगी हुई है, क्योंकि मोदी जी यहाँ से कोलकाता से काफी प्रोजेक्ट करने वाले हैं वर्चुअली, वो मैं आपको दिखाऊंगा। यार क्या हाल लग रहा है यार, ये मेट्रो स्टेशन में भी एंटर किए हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो यहीं से एंट्री लेंगे, आज ये गेट ओपन है क्योंकि आपको पता है इनॉग्रेशन है। तो ये देखो यहाँ पर एंट्री पे ही यहाँ पर आपको पूरी सजावट देखने को मिलेगी। और बेसिकली मैं आपको दूसरी साइड पे लेकर जा रहा हूँ जहाँ पर भाई मेट्रो भी है, ट्राई करेंगे आपको इसकी भी रेट दिखाएंगे। उसके बाद हमारा प्लान है यहाँ से जाएंगे स्प्लेनेट, और देन वहाँ से आपको अंडर वाटर वाली मेट्रो है ना स्पेशली, वो कवर करके दिखाएंगे। तो वीडियो भारी भर हो रहा, पूरा देखना। पसंद आए स्टार्टिंग में लाइक और कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लग रहा है। तो आ चुके हैं भाई प्लेटफॉर्म नंबर IGC 2 है, और ये देख लो पीछे खड़ी है हमारी भाई नई नवेली मेट्रो, और ये है ऑरेंज लाइन कवि सुभाष मेट्रो स्टेशन पे। और देख लो भाई कितनी खूबसूरत लग रही है, और आगे से इवन अंदर से भी भाई बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ है। देखो जब गेट ओपन होंगे मैं आपको अच्छे से अंदर से भी टूर करवाने वाला हूँ, राइड भी करेंगे इसके अंदर, क्योंकि भाई ये पूरा आपको मैंने बाहर भी बताया था ये इंडियन रेलवेज भाई मैनेज करता है, और जितना भी आरपीएफ का स्टाफ है सबकी यहाँ ड्यूटी लगी हुई है। तो ये दोनों देखो ट्रेन खड़ी है, और आज वहां से आगे प्रोग्राम चल रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। वहीं से इस ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया जाएगा। और आज इंडिया में भाई काफी प्रोजेक्ट जैसे कि आगरा मेट्रो भी कुछ फेज स्टार्ट होने जा रहा है, कोची मेट्रो का भी एक्सटेंशन है, RRTS का भी एक्सटेंशन है, भाई बहुत चीजें होने वाली हैं, और मोदी जी यहीं से उसको वर्चुअली फ्लैग ऑफ करेंगे। तो मैं आपको भाई RRTS का भी वीडियो कल ट्राई करूंगा, एक फ्लाइट दिल्ली की करवाकर आपको RRTS भी कवर करके दिखाई जाए। और फ्रंट से आपको दिखाए थे काफी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और देख लो भाई फोटोज क्लिक कर रहे हैं अंदर। अगर जाने से पहले गेट ओपन हो गया आपको अंदर से एक बार दिखा देंगे इस मेट्रो का, क्योंकि हमें निकलना है इस प्लेनेट, और इधर से लगभग 45 मिनट लग जाएगा। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, ये पहली दफा आ गए ना मेक इन इंडिया आई हुई है भाई। ले 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 भाई बहुत बढ़िया आ रही है। चलो ये पूरा कवि सुभाष मेट्रो स्टेशन का ये पूरा मैप है, अभी हम यहाँ पर खड़े हैं कवि सुभाष, और ये अभी तक यहाँ तक चलेगा, दैट इज रूबी ना, ठीक है। साइंस सिटी तक चालू हो जाने का संभावना है, ट्रायल रन चालू हो गया, ट्रॉली चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ तक 2 महीने के अंदर साइंस सिटी तक चालू होने का संभावना है, उसके बाद 1-1.5 साल के अंदर जय हिंद तक भी। अच्छा पूरा एंड टू एंड, तो ये देख लो ये पूरा मैप है, और जो भाई बात कर रहे हैं जय जय हिंद यहाँ तक एंड टू एंड। पहले दफा स्टेशन का नाम सुना ना, उस वाले भी है। यहाँ पर देख लो भाई काफी स्कूल के स्टूडेंट्स भी आए हैं प्यारे प्यारे, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है। तो फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट होने जा रहा है, और काफी स्कूल्स के बच्चे हैं, देख लो भाई सबके हाथ में नेशनल फ्लैग है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अच्छा क्लास 5 की हो सब लोग, वाह देखो सबको वहां से एंट्री भी मिल रही है अंदर, तो बहुत अच्छा लगा। आपको अंदर से एक बार दिखा देते हैं फटाफट से, लो ऐसी कुछ आपको मेट्रो दिखने वाली है अंदर से, काफी सुंदर देख लो पूरी सजाई हुई है, बैलून्स लगे हुए हैं,
भाई साहब बहुत अच्छा लग रहा है, देख लो अपना पूरा काफी कलरफुल है ना ये वाली, इसके जो वो रिबन्स। हाँ अभी सारे स्टूडेंट्स जो हैं स्कूल के वो ट्रैवल कर रहे हैं और यहाँ पर वैसे आज अलाउड नहीं है, तो वैसे मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे आपको डिटेल दिखा दिए, अब यहाँ से निकलते हैं अंडर वाटर मेट्रो दिखाने के लिए। इसका राइड पॉसिबल होगा तो वापस आते हुए ट्राई करेंगे, क्योंकि यह दो ही दिन चलने वाले हैं, लेकिन काफी लोग भाई लोग आए। आपको कैसा लग रहा है ट्रैवल करके यहाँ पे, मतलब ट्रैवल करेंगे? कौन सी क्लास से हैं? अच्छा अच्छा, कौन सी? समय लगे खुलेगा। अच्छा अच्छा भाई, बंद हो जाएगा, आ जाओ तो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। ब्लू लाइन के लिए हम टोकन ले रहे हैं इस प्लेनेट के लिए, तो देखते हैं कितने का पड़ता है, 5 जने के लिए उसके लिए टोकन होगा ना। चलो जी भाई, टोकन ले लिए, 20 रुपए का एक जने का पड़ा। कहाँ लगाना है? इधर लगाना है क्या भाई? ट्राई अगेन कह रहे हैं। हो गया हो गया हो गया हो गया, फाइनली जाकर इस प्लेनेट पहुंच गए हैं। भाग भाग के आए हैं क्योंकि भाई पासिस का और एंट्री का जुगाड़ करना है, बात किया था, बट लेट्स सी। यहाँ पर देख लो, ये इनोग्रेशन वाला पार्ट है, देख लो ये जो इनोग्रेशन पास है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इनोग्रेशन, ये चीजों का आज हुआ है, और आज मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ। अच्छा, मतलब ये वाला सेक्शन जो अंडर वाटर का भाई, चलिए अंदर चलते हैं। वैसे प्रोग्राम तो मोदी जी का खत्म हो गया है, यहाँ पर देख लो फ्लैगिंग ऑफ हुआ था, ये पूरा मतलब यहाँ पर ही सेटअप किया गया था। फाइनली वी गॉट द परमिशन, अब चलते हैं अंदर। तो भाई ये देख लो, पहुंच चुके हैं, ये है भाई वो डिफरेंट था, ये डिफरेंट है, और यहाँ से मेन एंट्री होगी। आप जब भी आएंगे भाई, कितना यहाँ हो सकता है एक ही हो, अंदर लेकर चलते हैं आपको, अंदर से भी एक बार मेट्रो स्टेशन दिखा देते हैं। देख लो ये पूरा आपको प्रोटोटाइप देखने को मिल जाएगा, दैट वन इज ईस्ट बाउंड टनल और ये वेस्ट बाउंड टनल, आपको ये पूरा प्रोटोटाइप दिख रहा है। ये जो देख रहे हैं ना, ये हुगली रिवर के बीच में से बेसिकली जाएगा, तभी मैं बोल रहा हूँ ना इंडिया का फर्स्ट, ये देखो हावड़ा ब्रिज ऐसा बिल्कुल रहने वाला है। हावड़ा ब्रिज के जो नीचे रिवर है ना, दैट इज हुगली रिवर, उसके बीच में से नीचे से जाएगी भाई ये हमारी मेट्रो। ये बेसिकली नीचे अगर आप प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो प्लेटफॉर्म के लिए ये बेसिकली एंट्री रहने वाली है। आपको पूरा एक बार ना मेट्रो स्टेशन दिखा देता हूँ नीचे से। नीचे आ गए हम मेट्रो स्टेशन, देखा हुआ है ना मेट्रो स्टेशन, वाओ यार कितना खूबसूरत सजाया हुआ है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ उस साइड पे जो रहने वाले ना, दैट इज टिकट काउंटर, और यहाँ पर देखो हर जगह आपको बोर्ड मिल जाएंगे, आप जब भी आएंगे तो यहाँ से आपको टिकट लेना है, और ये मशीन्स भी लगी हुई, इवन आप अपने कार्ड टोकन रिचार्ज भी करवा सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज दिखाऊंगा, ये पूरे काउंटर्स हैं, आप यहाँ से आप टिकट परचेज कर सकते हैं, जिस रूट को भी आपको जाना है यहाँ पर आपको काफी काउंटर्स मिल जाएंगे। रूट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, तो देख लो भाई ये बेसिकली पूरा रूट है जो मैं आपको बता रहा था, हावड़ा मैदान से लेकर इस प्लेनेट, और ये वाला जो सेक्शन है ना भाई, ये वाला है जो हुगली रिवर के बीच में से जाएगा। आज आपको मैं बेसिकली ये पूरा दिखाऊंगा, और यहाँ से आप देख लो इंटरचेंज भी है, दैट इज ब्लू लाइन, ब्लू लाइन से आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। ये जो लाइन है ना, हाँ जी हाँ जी, ये वाला लाइन पूरा कंप्लीट हो चुका है, और ये बीच का थोड़ा सा स्ट्रेच जो है वो बचा हुआ है। अच्छा, ये वाला पूरा कंप्लीट हो चुका है और ये वाला स्ट्रेच बचा है बाकी। अच्छा, ये ऑपरेशनल है इधर से, ये वाला रह गया बीच में, तो बेसिकली अभी हम यहाँ पर है, ये भी ओपन हो गया, ये भी ओपन हो गया, ये वाला रेलवे स्टेशन है। हाँ देखा। अच्छा, और ये ब्लू लाइन वाला पूरा कनेक्ट है ना, चलो 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 आप चलते हैं, आपको प्लेटफॉर्म पे लेकर चलते हैं। उस साइड से आप एंट्री करेंगे, दैट वन इज एग्जिट पॉइंट, मतलब जो टोकन और वो जो कार्ड रहता है वो आपको यहाँ पर लगाना है, यहाँ से आप एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको एक बार नीचे लेकर चलता हूँ भाई, सिक्योरिटी इतनी टाइट है और होनी भी चाहिए, यहाँ से आप एंट्री करेंगे, बट आज जो इनोग्रेशन है तो आपको पता ही है। हाँ जी हाँ जी, ट्रैम जो बेसिकली रोड पे चलते हैं। ओके ट्रैम, ओह वाओ नाइस यार, दूसरा दूसरा वाला है, इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, मतलब यहाँ पे जनरली जो पेंटिंग्स है, हाँ जी, यहाँ का जो जो इम्पोर्टेंट चीज है वही चीज को यहाँ पे डिपिक्ट किया। अच्छा, डिपिक्ट दिखाया गया बेसिकली। भाई ये वही मेट्रो स्टेशन आ गया जहाँ पर मैंने आपको ठीक लगभग 6 महीने पहले मैंने आपको राइड करवाई थी यहाँ पर, और मुझे ऐसा लग रहा भाई मेट्रो भी आने वाली है, आ रही है ना फाइनली भाई, मेट्रो आ रही है और आपको एक्सक्लूसिव भाई अब राइड करवाने वाले हैं, जिसके लिए तो पूरी मेट्रो अंदर से सजी हुई है। आजो 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 आजो, तो यहाँ पर अपने काफी मतलब सर लोग भी आए हैं, तो बात हुआ होता ये नहीं भाई, ये जाएगी ना सर अंडर वाटर? अरे सर कैसे सर, ऑल गुड सर, ये जाएगी ना आगे अंडर वाटर का? ओह हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? Fantastic to get a driver should be fantastic. The view is fantastic. Thank you, sir. First city to get underground. The view, the ride is superb. Less than 5 minutes and you are from Magaran, you are till Havra. Kya baat? Wonderful. The switch changed the course of history of communication in Kolkata. Very proud of our city. Proud of our. Thank you, sir. भाई finally metro के अंदर आ गए और आप देख सकते हैं पूरी भाई बहुत सजी हुई है ना, मैंने पहली दफा इतनी सजी हुई मेट्रो देखी है। मैंने ये क्या ना लेते गेंदा फूल जो है, गेंदा इसे पहली बार अंदर लग रहा है ना, ये जो सेक्शन है आज हम
कवर करने वाले हैं बेसिकली, और इस सेक्शन के बीच में, बेसिकली इस सेक्शन के बीच में अंडर वाटर रहेगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। फाइनली इस साइड के जो गेट है वो क्लोज हो गए हैं, अभी ये वाले भी क्लोज होंगे। वो मेट्रो थी वो चली गई है, अब ये जाएगी हावड़ा मैदान की ओर। ये लो जी गेट हो गए फाइनली क्लोज एंड ऑल सेट भाई, एक्सक्लूसिव कंटेंट आपका सबका वेट कर रहा है, वीडियो पूरा देखना भाई, बस इतना बोलो। फाइनली हो गया, चल चुकी है और काफी लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि समुंदर के नीचे, अभी वो सेक्शन बेसिकली स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और वो दिखाता हूँ। एंड आई एम ट्राइंग कि आपको यार केबिन राइड भी मिल जाए जैसे जैसे करके, तो देखते हैं भाई जो भी होगा जितना पॉसिबल होगा आपको दिखा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसी मेट्रो में ट्रेवल करके गए हैं, ये हमारा सौभाग्य है भाई। उनके जाने के बाद एटलीस्ट, उनके साथ नहीं मिलता लेकिन उनके जाने के बाद तो हमें राइड मिली जाती है। बिना नॉन स्टॉप निकल रहे हम महाकनन रेलवे शो मेट्रो स्टेशन, कुछ ही देर में टनल स्टार्ट होने वाला है जो अंडर वाटर वाला, तो ब्लू लाइट आपको देखने को मिलेगी। आपकी गाड़ी सुनो भाई, ये देख लो भाई, एंटर कर चुके हैं हम हुगली रिवर के नीचे से क्रॉस कर रहे हैं अभी। क्या सुंदर लग रहा है यार, कितना प्राउड मोमेंट है, पूरा आप देख रहे हैं ना, ये पूरा हुगली रिवर है। और ट्राई करूंगा आते वक्त आपको केबिन राइड भी दिखाने का, बट सीरियसली गूज़बम्प्स आ रहे हैं यार, मतलब प्राउड मोमेंट फील होता है अभी अंडर वाटर मेट्रो में आज हम ट्रैवल कर रहे हैं। ये पूरा हुगली रिवर के नीचे से जो आप पूरी लाइट देख रहे हैं ना ब्लू वाली, मैं आगे आया हूँ, ट्राई करता हूँ आते वक्त आपको कैबिनेट देंगे। पूरा वीडियो एंड तक देखना, मैंने सर से परमिशन की बात की है, लेट्स सी जैसा भी होता है जो भी होता है वर्क करते हैं, लेकिन यार सब लोग भाई एक्साइटेड है इस चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलिए भाई देख लो, ये फाइनली जाकर हमारी जो अंडर वाटर थी वो सेक्शन कंप्लीट होता है। इंडिया का सबसे डीपेस्ट, मैं वही सोचू ये आ गया भाई, इंडिया का सबसे डीपेस्ट स्टेशन हावड़ा स्टेशन आ चुके हैं भाई। कैसा लगा सब लोगों को पहले बताओ जल्दी से, मजा आया ना, प्राउड मोमेंट था ना आज सबके लिए। अच्छा वो ब्लू लाइट एक तरह से मास्क किया गया है ना, देख सकते हैं मैं कैबिनेट आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ी देर में आने वाली है हुगली रिवर के नीचे से जाएगी, जब आपको ब्लू लाइट दिखेंगी ना इट मींस हम उस टाइम पे रिवर के नीचे से क्रॉस कर रहे हैं भाई। क्या जबरदस्त कैबिन लगता है ना ये स्टेशन है, तो स्पेशली भाई आपके लिए दिखा रहे एक्सक्लूसिव आज फर्स्ट डे राइड, और बहुत प्राउड मोमेंट है यार अपने लिए, मतलब फाइनली भाई हम एंटर कर रहे हैं अभी रिवर के अंदर, और यहाँ पर देख लो सामने आपको जो ब्लू लाइट दिख रही है ना वो वाली लाइट है, वाह यार ओके। तो ये देख लो भाई पूरा रिवर के अंदर, और राइट साइड में आपको यस 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 मछलियां दिख रही हैं भाई, बहुत ही सुंदर सेक्शन है ये वाला देख सकते हैं, अभी थोड़ी देर में सेंड भी हो जाएगा, और ये पूरा जो आप देख रहे हैं ब्लू लाइट, ये सारी रिवर है कैबिन राइट से आपको दिखाया स्पेशली, वाह यार बहुत ही सुंदर। ये फाइनली जाकर रिवर कम्प्लीट होती है हमारी, तो ये पूरा आप देख सकते हैं, ये है अभी हावड़ा स्टेशन, अभी हम निकलेंगे ओके इंडिया का डीपेस्ट स्टेशन जो आपको मैंने पहले बताया था, अभी हावड़ा स्टेशन आने वाला है उसकी एंट्री हो रही है हमारी। तो अभी अंदर आ चुके हैं, सर से जान लेते हैं भाई, बहुत अच्छा लगा सर, आपका नेम क्या है? मोहम्मद मकसूद आलम। सर आपको कैसा लग रहा है कि इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो के आज हम ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत प्राउड मूवमेंट है हमारे लिए, भारतीयों के लिए और खासतौर से कलकत्ता वालों के लिए तो गर्व की बात है, बहुत गर्व की बात है। और सर मैं जानना चाहूंगा इसका टोटल स्ट्रेच जो हुगली रिवर के बीच में कितना है? 520 मीटर और टोटल जो सेक्शन अभी स्टार्ट हुआ है जो वाला बीच में इंटरप्टेड है, ट्रंक सर्विस चल रहा है। अच्छा अच्छा वो चल रहा है, ये 4.7 है। अच्छा 4.7 किलोमीटर का जो आपको सेक्शन आज दिखा रहा हूँ वो स्टार्ट हो चुका है, और ये हावड़ा स्टेशन जो डीपे स्टेशन है वहाँ से अभी हम देख लो अभी डिपार्ट करते हुए, अभी आपको थोड़ी देर में वापस हुगली रिवर का नजारा दिखाएंगे। पर सबको मौका देना चाहिए, ऐसा नहीं है मैं अकेला हूँ, अपने भाई लोग भी हैं तो उनको भी थोड़ा सा करवा दे, आ जाओ भाई आप भी ले लो। देख लो भाई ये आ चुके हैं, आप देख सकते हैं ये हुगली रिवर के बीच में से अभी हम जा रहे हैं भाई, कितना सही लग रहा है ना, काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है इस चीज के लिए भाई। ये जो पूरा है ना ये 520 मीटर का है, और ये पूरी लाइट थी, देखो साइड में आप देख रहे हैं ना फिशेस बनाई हुई है आप देख सकते हैं ध्यान से, वाह यार पूरा दर्शाया गया, ऐसा फील हो रहा है अभी हम मेट्रो मतलब जो चल रही है वो अंडर वाटर चल रही है। जो मेरे पुराने व्यूअर्स है ना, मैं ऑलरेडी 6 महीने पहले जो मीडिया के साथ आया था मैं पूरा कवर करके गया था, आपको पूरा एक्सक्लूसिव राइड दिखाया था, लेकिन अब लाइट्स है ना ये अब लाइट्स चल रही है जो आपने अभी देखी ना सारी, अभी लाइट्स तो ये लाइट्स अभी नहीं चल रही है, और जो पूरा फील दिया है ना जो अंदर से जा रहे हैं अभी स्टार्ट हो, जेन्युइनली देखा जाए अब पूरी मेट्रो फंक्शन वे में आ चुकी है, बहुत जल्दी सबके लिए स्टार्ट हो जाएगी, तो काफी बढ़िया है भाई। फाइनली जाकर आपको कैबिन राइड दिखा दिया है, मजा आ गया भाई है ना, ऑल थैंक्स टू काली सर है और सीपीआरओ सर जिन्होंने भाई मुझे परमिशन दी, और इस लेवल तक भाई हम आपके लिए रिकॉर्ड कर पा रहे हैं,
बहुत मेहनत लगती है और बहुत उनका भी डेडिकेशन भाई, वो दिन रात लोग मेहनत करे, बैक एंड पे आप देखो जो लोग मेहनत करते हैं, सही बात, पता नहीं लगता भाई दिन रात जो वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिन्होंने टनल बनाई है, सबको सैल्यूट जाता है, ऐसा नहीं है ना, बैक एंड पे उनका काम दिखता है, बात ही है। लेकिन भाई मजा आ गया, तो चलिए अब उतरते हैं, स्टेशन एस्प्लेनेट आने वाला है, यहीं तक हमारी राइड थी, बाकी आपको फेयर से लेकर सब कुछ मैं आपको बाहर चल के बताता हूँ। चलिए जी फाइनली भाई आ चुके हैं, और भाई यहाँ तो बहुत ठंड नहीं है, देखो इसके एसी के नीचे भाई पूरा ठंडा लग रहा है, और भाई मेट्रो की राइड बहुत अच्छी रही, कैसा लगा आपको? काफी ज्यादा अच्छा लगा भाई, काफी ज्यादा अच्छा लगा, मजा आ गया ना सबको, आप सबको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, प्राउड मोमेंट है ना आप सबके लिए ना, और कितना दुल्हन की तरह कह सकते हैं भाई, पूरा अपना स्टेशन सजाया हुआ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको सेक्शन दिखाया था ना जो अंडर वाटर वाला, वो 60 मीटर बिलो द लेवल ऑफ रिवर वाटर जो है ना, उसके 60 मीटर से भाई, क्या सही लग रहा था। चलिए ऐसा करते हैं बाहर चलते हैं, और मेरे को भाई आपको वीडियो भी दिखाना, ट्राई करेंगे फटाफट एडिट कर लेते हैं इसको। चलो जी ऐसा करते हैं बाहर चलते हैं फटाफट से, और यहाँ पर वैसे फूड भी प्रोवाइड किया हुआ है, तो देखते हैं, ऐसे तो मेरे को ना वीडियो फटाफट लाइव करना है। और वैसे फेयर मैंने पूछा है तो कह रहे थे फेयर अभी ऑफिशियली इतना पता नहीं लगा, लेकिन 5 रुपीज से लेकर आई गेस 40 to 50 रुपीज बीच में रहने वाला है इन बिटवीन। बाकी सारी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, एक बार मैं बाहर से आपको और दिखा देता हूँ, अगर फूड मिलता है ना भाई कुछ पेट पूजा कर लेते हैं। लगभग टाइम अभी शायद 1-2 बज गया होगा, सुबह से भाई पानी तक नहीं पिया है, आपको पता है ये जब इनोग्रेशन होता है ना भाई तब खाना पीना सब भूल जाता है, क्योंकि पहला रहता है काम। उन्होंने ये कोई चावल है, राइस एंड ये भाजी वाजी सब कुछ प्रोवाइड कराया है, और चलते हैं आपको, मेरे को आपको दिखाना था अभी ये सर्विस, जिनको भी पासिस मिले ना उनको एक कूपन दिए गए हैं, मतलब जैसे आपको होता है मीडिया से, तो कूपन मिला था फूड का जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया। फाइनली भाई मैं तो वापस आ रहा था, तो मुझे बोलते हैं कि यार मैं लाइन लगी हुई तो फूड कौन ले, तो उन्होंने मुझे दे दिया, थैंक यू सो मच, कहते हैं जाओ कोई बात नहीं आप वीडियो बना रहे पेट पूजा कर लो पहले, इंपॉर्टेंट है। लेकिन राइड बहुत अच्छी रही, और चलिए ऐसा करते हैं इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, पसंद आए तो लाइक जरूर करना। अब जगह देखता हूँ थोड़ा, बैठता हूँ वीडियो एडिट करता हूँ, और आप सबको वीडियो दिखाना है, पसंद आए लाइक जरूर करना, कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा, मेरी मेहनत और हमारी सबकी जितने भी लोग आए सबकी मेहनत पसंद आती है, सपोर्ट किया करो, एक जना नहीं मतलब सब लोग मेहनत कर रहे हैं, और सब लोगों के साथ ट्रैवल करके मस्ती करके अच्छा लगता है, इनोग्रेशन यही होता है यार, मिलते हैं और बातचीत होती है, नई नई चीज़ें एक दूसरे से सीखने को मिलती हैं, पसंद आए लाइक करना, और आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में धमाकेदार। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ कहीं और आपको कल या परसों एक एक्सक्लूसिव वीडियो देखने को मिलेगा, बहुत प्राउड मोमेंट है वो भी, मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ये टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय हिंद। एक बार ना बॉक्स रख के करता हूँ यार, जय हिंद। भाई कल हमने जो है वीडियो देखी थी जिसमें पीएम मोदी जी जो है उन्होंने इनोग्रेट किया, और साथ में खुद भी जो है मेट्रो में जो है वो ट्रैवल किया, लेकिन अगर आज बात की जाए तो भाई लिटरली बहुत खूबसूरत लग रही थी वो ब्लू वाला जो एरिया था, वो मैंने पहले देखा था एक वीडियो में, मैंने कल की वीडियो में भी जिक्र किया था कि जिस एरिया से वो गुजरेगी ना पानी वाले, वहाँ से ब्लू कर दिया गया। और मेरा ख्याल है कि भाई ये एक बहुत सुपर आइडिया है कि भाई लोगों को बताया जाए कि भाई यहाँ से अब रिवर स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल, क्योंकि इंसान का मतलब सोचने का इस तरह ना, जो उसके माइंड में चल रहा था, जो उसको दिखाया जा रहा था ना, इंसान उसको फील कर रहा था, और जैसे दिखाया भी कि जहाँ से वो ब्लू लाइट स्टार्ट होती है साइड पर मछलियां भी बनाई गई हैं, आई थिंक वो वॉल पेंटिंग होगी। हाँ, so, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बट एक बात मैं बोलना चाहूंगी, हम लोगों ने जितनी भी ट्रेन्स के इनॉग्रल जर्नी व्लॉग्स देखे हैं, या चाहे हम वंदे भारत की बोल लें या मेट्रो की बात करें, बट जितनी मैंने ये सजी हुई ट्रेन देखी है ना, इतनी मैंने कोई भी नहीं देखी जिस तरीके से इसको सजाया गया है। भाई देखे ना, ये एक बहुत डिफरेंट प्रोजेक्ट था। पहले वाली ट्रेनों की एक बात ही, तो एक तो प्री एग्जिस्टिंग लाइन पे चल रही हैं, ठीक है, जो पहले से बनी हुई थी, लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो ये आपको पूरा एक इंजीनियरिंग मार्वल दिखाया गया कि भाई हुगली नदी के नीचे से जो है वो निकाली गई है। बिल्कुल, और मैं ये कहूंगी कि बहुत प्राउड मोमेंट इसलिए भी है क्योंकि जितनी भी चीजें हैं वो आपकी कंट्री में खुद की गई हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारे जो वर्कर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत योगदान है और उनकी मेहनत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे ये लगता है कि आपको एक यू नो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अब देखने को मिलते हैं ना, लोगों की उत्साह भी आपको देखने को मिलती है। और मैं कहती हूँ कि आप कोई भी प्रोजेक्ट उठाकर देख लो, आपको हर प्रोजेक्ट में लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ नज़र आएगी ना जब उसका इनॉग्रल आपको होते हुए दिखता है। यार तो, सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि लोगों को जो है ना पता है कि उनकी कंट्री में क्या क्या चीज़ें जो है वो हो रही है, कौन कौन से प्रोजेक्ट जो है वो चल रहे हैं, तो ये मेरे को बहुत अच्छी बात है
कि आपके पीएम की तरफ से भी जो है अवेयरनेस क्रिएट जो है वो की जाती है, फिर उसके साथ साथ लोगों की तरफ से भी जो है अवेयरनेस क्रिएट जो है वो की जाती है। तो ये चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है और लोगों में जो है एक्साइटमेंट जो है वो काफी ज्यादा होती है। जैसे हमने कल जो वीडियो देखी थी, तो जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है वो आए थे तो कितने लोग थे, कितना क्राउड वहां पे उन्हें वेलकम किया है वो करने आया, और वो स्टेशन के अंदर बिल्कुल। और अगर आज की अगर बात की जाए तो जैसे इनॉग्रेट हुई हैं दो लाइंस जो है चल रही हैं, तो एक में अगर आप देखें बच्चों को लेकर आए थे ताकि जो है वो बच्चे जो है उस चीज को सेलिब्रेट कर सके, उस चीज को जो है फील कर सके, उसकी इम्पोर्टेंस को समझ सकें। तो डेफिनेटली बच्चे जो हैं, जो यूथ है आज की, वो आने वाले समय का मैं कहूंगी कि वो एक सरमाया है, यानी कि एसेट है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये अवेयरनेस जरूर इस तरह की क्रिएट करनी चाहिए। बाकी भाई कोलकाता के लिए तो मुझे लगता है कि बहुत ही एक अच्छा मोमेंट है ये, क्योंकि जिस तरीके से अब लोगों का सफर बहुत आसान हो गया और उसके साथ साथ एक बहुत ही डिफरेंट जो प्रोजेक्ट है वो सामने आया, वो कंप्लीट हो गया। तो मुझे लगता है कि वो एक होता ना कि किसी भी जगह पर आप जाते हो तो हमने ये जगह घूमनी है, तो उसमें एक लिस्ट में ये चीज भी शामिल हो गई भाई। वो जैसे आप जाते हैं ना तो पहले आप खाली हावड़ा ब्रिज जो है वो घूम कर आते थे, हावड़ा ब्रिज हाँ okay. तो वो आप घूम कर आते हैं कि भाई वो देखने एक इंजीनियरिंग मार्बल है, तो अब उसके साथ आपको ये भी एक इंजीनियरिंग मार्बल जो है वो देखने को मिलेगा कि भाई इसका एक राउंड मार्कर जो है वो जरूर आना है। बाकी फेयर तो मुझे बहुत ही रीजनेबल लगा, लाइक 5 रुपए से स्टार्ट हो रहा है और 40 रुपए के बीच मिलेगा, तो मुझे तो बहुत ही रीजनेबल लगा। एनीवे गाइस, ओवरऑल मैं कहूँगी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी और इसमें कोई शक नहीं है जितने भी ब्लॉगर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, सो मज़ा भी बहुत आता है। थैंक यू सो मच के आप लोगों की वजह से हम लोग जो हैं वो वीडियोस देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों की। और आप ज़रूर बताइएगा भाई आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा और कौन कौन कोलकाता से हमें देख रहा है वो भी ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हमें चालू करें।